सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा चैनल में जिसका नाम है ब्योमकेश जी। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ सरप्राइज आपके लिए है। पिछले दिन हमारा, आज एक वीक पहले जो है, लगभग 4-5 दिन पहले जो हम लोगों ने टेस्ट एग्ज़ाम दिया, सभी लोग मिले साथ में और बहुत अच्छा लगा कि लगभग 3-4 महीने के लॉकडाउन के बाद जो है सभी लोगों से भेंट हुई, बातचीत हुई। तो इस दौरान मैं उस दिन कुछ कहना चाहता था लेकिन सभी लोग इतने ज़्यादा हड़बड़ में थे लेकिन कह नहीं पाया। सबसे पहले आप लोगों को यही बोलूँगा कि भाई सब लोगों ने एग्ज़ाम दिया करके, करीबन एग्ज़ाम में हम लोग 100 लोग अपीयर हुए थे और ये बहुत बड़ी बात है कि भाई सर 100 लोग जमा हो गया एग्ज़ाम देने के लिए। जहाँ पर परिस्थिति यह हो गई थी कि मैं नहीं आ सकूँगा, हम नहीं आ पाएंगे, हमको गाड़ी नहीं मिल रहा है, वहाँ पर 100 लोग का आना एक अपने क्लास के लिए जो है बहुत ही गरिमा वाली बात है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट सेशन में जाते हैं, जहाँ पर हम मेनली आपसे जो बात करना चाह रहे हैं उसको लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं कि एग्ज़ाम जो है टेस्ट का ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ लोग आराम फरमा रहे हैं। ठीक है, आराम करिए, मेरे को आपके आराम से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह जान लीजिए कि सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ है, सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम अभी होना बाकी है। तो बहुत सारे हमारे मित्र, भाई, बंधु, भैया, बहन, जितने भी लोग हैं उनका मैसेज जो है अभी नहीं आ रहा है। फिलहाल मैं भी थोड़ा सा आराम कर रहा हूँ, घर पे हूँ, लेकिन क्या है ना कि आराम करने का समय नहीं है, ये काम करने का समय है। क्योंकि सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम हुआ नहीं है और हम मात्र 5% पढ़ करके भी एग्ज़ाम दिए हैं, 95% सिलेबस रखा हुआ है पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए नहीं। आप गलत सोच रहे, मेरा बात का मतलब उल्टा नहीं लीजिएगा, 5% पढ़ के हम लोगों ने एक टेस्ट एग्ज़ाम को दिया, लेकिन अभी भी जो है अपना सिलेबस 95% पढ़ने को बाकी है, जिसमें क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, एग्ज़ाम का तैयारी कैसे करें, इसके लिए जो है एक अच्छा परिस्थिति जो है हम आपके लिए लेके आए हैं कि टॉपिक वाइज जो है ना हर एक पेपर का आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि यह जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इस क्वेश्चन का किसी भी जीवित मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, यह मेरे अनुभव पर आधारित है, अतः ये मात्र एक मनोरंजन के लिए भी होगा। और एग्ज़ाम को मैं कैसे पढ़ लेना है कि शॉर्ट करके कि सिलेबस में अच्छा रिजल्ट आ जाए मेरा, आप कोई भी बाय द वे मीनिंग नहीं लीजिएगा कि हम जो बता रहे हैं तो हम बहुत काबिल हैं, ये हैं वो है। नहीं, हमने पिछले साल का क्वेश्चन को देखा, पिछले साल के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखने के बाद ये पता चलता है कि सिलेबस में ज़्यादा कुछ नहीं है, 5 मॉड्यूल अपना सिलेबस है, 5ों से 1-1 लॉन्ग क्वेश्चन लिखाया गया है। चूँकि मेरा एडमिशन 3rd लिस्ट में हुआ था तो मैंने 1st लिस्ट और 2nd लिस्ट वालों से बात की तो उन्होंने बताया कि 16 जनवरी से अपना कॉलेज स्टार्ट हुआ था डिपार्टमेंट, और बीच में लगभग एकलव्य खेल प्रतियोगिता के चलते डिपार्टमेंट बंद रहा। 25 जनवरी से जब क्लास हुआ तो 2 दिन हुआ, फिर बंद हो गया, फिर सेमिनार हुआ, सेमिनार के बाद जो सर आए पहला दिन HOD सर, तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पर ही डिस्कशन उन्होंने किया। फिर जब सुरेंद्र सर आए तो उन्होंने गुन्नार मिडल, माफ़ कीजिएगा, JR हिक्स से शुरू किया। निशा मैम आई तो प्रोडक्शन थ्योरी से स्टार्ट किया, प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन का थ्योरी क्या है, लेबर क्या है, कैपिटल क्या है, एंटरप्रेन्योर क्या है, उन्होंने वहाँ से बताया। ठीक है, उसके बाद जो है रूमा मैम आई तो उन्होंने जो है इंट्रोडक्शन बताया कि सिलेबस कैसे पढ़ना है। तो उसी पे आज एक शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा लंबा नहीं है, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि डिपार्टमेंट का कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेगा, पढ़ाई से रिलेटेड है। जैसा कि हमने पिछला वीडियो 4 वीडियो डाला, JR1 गुन्नार मिडल लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं डाल सका तो तबीयत हमारी डिस्टर्ब थी, उसके लिए सभी से माफ़ी चाहूँगा, लेकिन लीनियर प्रोग्रामिंग मैं डाल दूँगा, आप घबराइए मत, बहुत इजी कंसेप्ट है, समझ में आ जाएगा। हिंदी इंग्लिश का कोई लॉ जो है वैसा लफड़ा नहीं है कि जो है परेशानी आपको जो होगी। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए वीडियो में बने रहिए, स्किप मत करिए, स्किप करने से आपका इन्फॉर्मेशन अधूरा मिलेगा आपको। तो जल्दी जल्दी पॉइंट पर आते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 1, तो मैं बता रहा था कि जो जल्दी जल्दी बात है उस बात पे मैं आता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि ये दोनों डायरी जो है मेरी, मैं क्लास में जब भी रहता हूँ तो जितने भी टीचर्स हैं उनका अपडेट लिखता हूँ। तो इस डायरी के अकॉर्डिंग जो पेज है, 12 फरवरी से मैं क्लास कर रहा हूँ, 12 फरवरी के बाद एक एक दिन का क्लास का अपडेट है मेरे पास, उसके पहले का नहीं है। अगर आप लोग के पास होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा,
तो जो स्टार्ट हुआ सिलेबस, तो उसमें करीबन जो हम लोगों को पढ़ाया गया है टोटल पेपर का मिला के, तो टोटल पेपर्स की बात आज मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सीसी वन की बात करूँगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, और क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर में आया है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। ये जो सजेशन मैंने बनाया है ये मेरे अपने अनुभव से है, सबों की मदद के लिए है कि क्लास में सब लोग पढ़ लें अच्छे से, क्योंकि समय कम है, बहुत लोग लॉज में किताब कॉपी फंसा हुआ है, कहाँ है नहीं। अगर ये पता चल जाए कि थोड़ा सा क्या पढ़ना है तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो मेरा अपना जो अनुभव है उस अनुभव के आधार पर एक अंदाज पर मैं आपको एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक अपने को पढ़ना है। रहा कि आपको इस पर यकीन करना है या नहीं करना है ये आपके ऊपर है। मैं इस पर एकदम नहीं कहूँगा आपको कि आप इसको पूरा 100% ही यकीन कर लीजिए कि इसी से आएगा, आप पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर आपको यकीन है 1% का भी, तो आप टॉपिक को देखिए, आपको लग सकता है कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो टॉपिक हमने निकाला है ये किसी से मदद नहीं ली है, कहीं कोई हमको मदद नहीं किया है, बस सिर्फ क्वेश्चन बैंक और जो क्लास में पढ़ाया गया उसको हम मिला करके ये एक पॉइंट बना है। क्योंकि अपने यूनिवर्सिटी का एक नियम है कि जब भी क्लास होता है, एग्ज़ाम होता है, उसमें एक ईयर को छोड़ के दूसरे ईयर का अल्टरनेट पढ़ना पड़ता है। तो 2017 का जब सेशन है तो जो हमारे सेशन से अलग अलग है, लेकिन 2018 का सेशन और 2019 का जो सेशन है, मतलब 18 20 और 19 21 का सेशन हमारे सिलेबस का है, 17 19 का जो सेशन है वो पुराने सिलेबस का है, तो उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, 18 वाले को देखना है। तो 2018 में जो क्वेश्चन आया है उसको देखते हुए मैं ये सजेशन बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप सीसी वन का डिस्कशन पहले सुनिए क्या है। तो सीसी वन में सबसे पहला जो पार्ट है आप सुन लेंगे, अगर कहीं पर वीडियो आपको बोर्ड पे दिखाई ना दे तो मेरी आवाज़ को सुन के समझने के प्रयत्न करेंगे, और वीडियो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा और लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो स्किप मत करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीसी वन का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, अगर आपको यह यकीन है मेरे ऊपर कि यह वीडियो अच्छा बन रहा है या इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं, और अगर आपके पास इसका आंसर सब भी होगा तो मेरे को भी दीजिएगा, दूसरों को भी मदद करिए, मेरी भी मदद हो जाएगी, और मेरे पास होगा तो मैं आपकी भी मदद कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारा आंसर नहीं है ये, क्योंकि मैं थर्ड लिस्ट से एडमिशन कराया था, फर्स्ट सेकंड वालों के पास बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन जो मेरे पास होगा मैंने आज तक दिया है, सबको मदद किया है तो आप लोगों की मदद भी करूंगा। तो चलिए इधर उधर की बात करके बिना डायरेक्ट हम आते हैं अपने टॉपिक पर कि सीसी वन के लिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसका किसी भी वास्तविकता से कोई संबंध नहीं हो सकता, आप विश्वास करेंगे तो पढ़ लेंगे तो एक अंदाज आपको पता चलेगा। सबसे पहले ये जानना होगा कि सीसी वन के एग्जाम का पैटर्न क्या है। 5 लॉन्ग 5 शॉर्ट 10 ऑब्जेक्टिव, 3 घंटे का समय मिलता है। 5 लॉन्ग में 3 लॉन्ग लिखना है, 4 शॉर्ट लिखना है और 10 ऑब्जेक्टिव बनाना है, ठीक, जो 70 मार्क्स का है। 50 का अपने पास टारगेट है, 10 ऑब्जेक्टिव का कोई टारगेट नहीं है। सीसी थ्री में सिर्फ सर ने 50 ऑब्जेक्टिव दिया है, उसको पढ़ लीजिए। लेकिन अगर सीसी वन का ऑब्जेक्टिव की बात हम करेंगे तो बाद में करेंगे, पहले हम इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट बताते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। चूंकि देखिए मेरा अपना अनुभव है और इस अनुभव को मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिएगा कि अगले बार नया वीडियो बनाना है कि नहीं। तो देखिए जे आर हिक्स जो अपना लॉन्ग क्वेश्चन है जो टेस्ट में भी आया था, मेरे हिसाब से लगता है कि एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में भी पूछेगा, बहुत दबाव क्वेश्चन पर दिया जा रहा है। इंडिफरेंस कर्व जो आपको पहले क्लास में पढ़ाया गया था, उदासीनता वक्र की विशेषता जो एचओडी सर ने पढ़ाया था, वो इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट, ये तीनों पिछले साल नहीं पूछा है, इस साल पूछने का चांस है, क्योंकि पिछले साल रिवील प्रेफरेंस थ्योरी पूछा था तो इस बार रिविजन ऑफ डिमांड थ्योरी पूछा है। ये 3 क्वेश्चन छोटा नहीं आया है, क्योंकि इसके बाद जो 3 शॉर्ट बचते हैं वो सिलेबस से पिछले साल पूछ चुका है। प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन मेरे पास है नहीं, कोई हमको व्हाट्सअप किया था तो हम प्रिंट निकाले थे पुराना वाला, तो एक आध पेज सीसी वन का था तो हमको मिला है, सीसी टू और 3 4 सबका धीरे धीरे जुगाड़ कर रहे हैं, अगर मिल जाएगा तो वो भी बताएंगे। तो ये आपका मॉड्यूल वन में इंडिफरेंस कर्व पढ़ना है, जे आर हिक्स का डिवीजन ऑफ डिमांड थोड़ी पढ़ना है, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट पढ़ना है। फिर मॉड्यूल टू में रिटर्न्स टू स्केल पढ़ना है, जहाँ तक आप लोग जानते हैं टेस्ट टू का क्वेश्चन था, कॉब डगलस एक मैम लिखवाई थी 4 5 प्रॉपर्टी, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थ्योरी ऑफ कॉस्ट है, उसके बाद है थ्योरी ऑफ कॉस्ट का प्रोडक्शन, ठीक है, उसके बाद रिलेशन ऑफ ACMC, ये इतना पढ़ना है। ACMC का मतलब एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच रिलेशन पढ़ना है, क्योंकि पिछले साल सीसी थ्री में एवरेज रिवेन्यू और मार्जिन रिवेन्यू का पूछा था और सीसी वन में इस सब का ऑब्जेक्टिव पूछा था, तो हमको लगता है इस साल इसका थ्योरी पूछना चाहिए, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव पूछा है तो थ्योरी पूछेगा। उसके बाद मॉड्यूल थ्री में अपना असाइनमेंट वाला है, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन लॉन्ग रन में, पिछले साल शॉर्ट रन पूछा है कि अल्पकाल में
फर्म के संतुलन की व्याख्या करते हुए समझाइए। इस साल जो सर लिखवाए हैं वो लिखा है अंडर द परफेक्ट कंपटीशन डिस्कस द लॉन्ग रन ऑफ फर्म। ठीक है, लॉन्ग रन मतलब दीर्घकालीन बाजार की व्याख्या करते हुए पूर्ण प्रतियोगिता को समझाइए। उसके बाद इसी में एक शॉर्ट क्वेश्चन सर ने लिखाया था क्लास में, परफेक्ट कंपटीशन इज मिथ। आप देखिए कि उसके बाद कुछ नहीं लिखा है, यही सब है। कुछ है उसके बाद आप खुद सोचिए, इस कॉपी उल्टाइए अपना और देखिए, परफेक्ट कंपटीशन इज मिथ एक क्वेश्चन ये इस मॉड्यूल से, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ाया गया। इसके बाद मॉड्यूल फोर में हम आते हैं। मॉड्यूल फोर में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक मैडम ने लिखाया था और बायलिटरल मोनोपोली, माफ कीजिएगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ाया, मोनोपोली का कंसेप्ट दिया। उसके बाद उन्होंने मॉड्यूल फाइव का एजवर्थ मॉडल पढ़ाया, कुर्नो का मॉडल भेजा और बार्टुंड का मॉडल, जिसमें एजवर्थ क्लास में हुआ है, कुर्नो बार्टुंड, ध्यान से सुनिएगा, एजवर्थ कुर्नो और बार्टुंड, ये ओलिगोपोली क्लासिकल मॉडल और बायलिटरल मोनोपोली का जो मॉडल सब है उसमें चार है, स्टॉलबर्गी, कुर्नो, बार्टुंड और एजवर्थ, जिसमें कि पिछले साल कुर्नो का पूछा हुआ है तो हम मान के चल रहे हैं कि बार्टुंड और एजवर्थ इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, जिसमें एजवर्थ अपने को क्लास में लिखाया गया था और बार्टुंड को मैडम ने भेजा था मेरे को व्हाट्सएप पे लॉकडाउन के दौरान, मैंने ग्रुप में भेजा है। ठीक है, वो रिकवरी मैं धीरे धीरे अपने पुराने वाले फ़ोन का कर रहा हूँ तो मिल जाएगा। तो इतना क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम के लिए। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ और भी इंपॉर्टेंट हो तो उसको पढ़िएगा। फिलहाल ऑब्जेक्टिव के लिए जो डिटेल है वो अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर आप हमको पूछेंगे कि ऑब्जेक्टिव किस तरह से पढ़ना चाहिए तो गैस पेपर कहीं कुछ नहीं मिलेगा। जो टीचर जिस टॉपिक को पढ़ाए उसी में से ऑब्जेक्टिव देंगे, ये मेरा अपना अनुभव है जहाँ तक कि मैडम लोग को हम देख रहे हैं अभी तक में। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व, जेआर हिक्स, इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, ये आपको कम से कम 70% सिलेबस कवर किया है हमने इसमें। और किसी को अगर सीसी वन में 50, 70 में 50, 40 लाना है तो इसको इतना 40 लाना है तो इतना कवर करने के बाद उसका 40, 35, 40 नंबर आएगा। इसके बाद ऑब्जेक्टिव आपके ऊपर निर्भर करता है, ऑब्जेक्टिव का कंसेप्ट हमारे पास अभी नहीं है फिलहाल। अगर वैसा कोई कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव का आता है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है सीसी वन का जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया, और आपको लगता है कि नहीं ये सारा इम्पोर्टेंट अपना मिलता है क्लास में पढ़ाए होने से, आप ज़रूर तैयारी कीजिए। बाद बाकी आप तैयारी करने के लिए इसके अलावा भी तैयारी कर सकते हैं, सिलेबस 100% पढ़ने के लिए मना ही नहीं है। जैसे मैं पूरे 100% सिलेबस को पढ़ रहा हूँ एक एक चीज़ को, क्योंकि मेरा उद्देश्य आगे नेट का एग्ज़ाम है तो पीजी को अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। पीजी अगर अच्छा से नहीं, चूँकि मैं नेट का एग्ज़ाम जब दिया तो उसमें लगा कि पीजी का सिलेबस ही पूरा, अगर पीजी पढ़ लूँगा तो नेट एग्ज़ाम कहीं निकल जाए भगवान की दया से, मेरी मेहनत से। तो रिटर्न्स टू स्केल था दूसरा पार्ट, पहला इंडिफरेंस कर्व, जेआर हिक्स, इनकम इफेक्ट मैंने डिस्कशन कर दिया आपको। कहीं पर कोई दिक्कत होगा, मान लीजिए नीचे का वीडियो कट रहा होगा, घबराइए मत, मेरा आवाज़ सुन के भी आप कॉपी में नोट कर सकते हैं और आप इसका आंसर खोजिए। आपके पास भी हो तो हमको भी बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और अगर आपको लगा कि ये वीडियो बहुत अच्छा है तो आप कमेंट में ज़रूर ये दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि सीसी टू पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सजेस्ट कीजिए। मैं सजेशन करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन एक पिछला प्रीवियस को देखते हुए और सिलेबस को देखते हुए, इन लोगों को पैटर्न को पढ़ाते हुए देखते हुए लगता है कि नहीं कुछ डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई बंधु क्लास वाले घर पे द्वार में यहाँ वहाँ फंसे हुए हैं, कॉपी लॉज में है तो अपने घर में है, तो अपने घर में है तो कॉपी कहीं और है, कॉपी घर में है तो अपने कहीं और, ऐसा सिचुएशन है। और जो भी इंपॉर्टेंट ये सारा है ये सब हम इस यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे, जितना आंसर है सब धीरे धीरे करके पूरा दुर्गा पूजा के बीच में आपको डालेंगे। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि सीसी 2, 3, 4 सबका भी हम इसी तरह सीरीज ले करके आएँ तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, शुभ रात्रि।